कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने यहाँ पर माफिया को पैदा किए थे। कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई चंदन माफिया, यहाँ पर पाप करने वाले, यहाँ के संसाधनों पर लूट मचाने वाले, यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले और यहाँ की बेटी और यहाँ की व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली माफियाओं पर अपनी वोट की मार क्यों नहीं दी? बहनों भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में बड़ी हुई तो गरजती है ना बॉर्डर पर, तो सबसे पहले पाकिस्तान वालों की पैंट भीगती है। सबसे पहले संभावना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रही है। मेरे भाइयों, जब भी मैं बुंदेलखंड आता हूं, मेरे मन में लगता है कि वास्तव में बुंदेलखंड के साथ पिछली सरकारों ने कितना बड़ा अन्याय किया, कितना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यहां नदी है, यहां नाले हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने यहां पर माफिया को पैदा किए थे। कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई चंदन माफिया, कोई चंदन के डकैत, लेकिन यहां की जनता के साथ यहां के विकास को अवरुद्ध करके यहां की जनता का उन्होंने शोषण किया है। उनके विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं बना पाए। अपनी वोट की मार क्यों नहीं दी? यही तो मैं कहने के लिए आज आपके पास फिर से आया हूं। भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना लागू होती है, मुझे भी लगता है कि मेरा बुंदेलखंड भी अब प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ के हर घर में हम पानी पहुंचाएंगे, शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और माफिया की तो हम क्या हाल कर रहे हैं वो तो आप जान ही रहे हैं, उसके बारे में मुझे लगता बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसलिए बहनों भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूँ कहने के लिए, आप मुझे बताओ ये जितना काम हम लोगों ने किया है, क्या कोई चेहरा देखकर किया गया, कोई गांव देखकर के किया गया, कोई क्षेत्र देखकर के किया गया? अरे तो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। बहनों भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में बड़ी हुई तो गरजती है ना बॉर्डर पर, तो सबसे पहले पाकिस्तान वालों की पैंट भीगती है। सबसे पहले इनकी हालत खराब होती है, और इसीलिए जब चुनाव आ गए हैं, मोदी जी का विरोध वही लोग कर रहे हैं। कौन लोग हैं? एक जो रामद्रोही है और दूसरा जो पाकिस्तान का समर्थक है, पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। मोदी जी के समर्थन में वो हर व्यक्ति है जो राम भक्त है, जो राष्ट्रभक्त है, जो विकास का समर्थक है, जो गरीबों के उत्थान का समर्थक है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा का समर्थक है, वह हर व्यक्ति मोदी जी का समर्थन कर रहा है। तो
2017 के पहले क्या स्थिति थी, प्रकैतों का आतंक था, बड़े बड़े माफिया थे, आगे सपा बसपा कांग्रेस ने तो केवल माफिया ही आते थे, अराजकता फैला रहे थे, लूट खसोट मचा रहे थे, सड़कों को बर्बाद कर रहे थे। हम लोग बुंदेलखंड को नोएडा की तर्ज पर विकसित करने के लिए हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बधाई देता हूं बुंदेलखंड वासियों को। अब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान बुंदेलखंड से प्लान नहीं करेगा, एक बार हमें इस योजना को लागू करने दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं बुंदेलखंड का नौजवान यहां नौकरी पाएगा ही पाएगा, और पुंगवा नौकरी देने वाला हम उसको बना देंगे, और दुनिया आपके पास नौकरी की भीख मांगने के लिए आएगी। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, और पाकिस्तान की आबादी कितनी है, 23 से 24 करोड़। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। इसलिए 10 वर्ष के अंदर पाकिस्तान की जितनी आबादी उससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ गरीबी से उभरे हैं, और पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे रोज आंदोलन चल रहे, 1 किलो आटा के लिए मारपीट हो रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।